Yeah.
Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions. So we will continue reading from Bhagavad Gita, first chapter. And so let us begin. Om Agyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरागी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो वी आर करंटली रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर वन। हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है एंड सो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यू कैन ऑल्सो सी। तो इन लास्ट सेशन हमने ये देखा था कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप जो मेरा जो रथ है वो आप दोनों पक्ष के बीच में ले जाइए। अर्जुन वांट्स टू सी कि कौन लड़ने आए हैं और उसके बाद जो भगवान है वो उनका जो रथ है वो उनको दोनों आर्मीज के बीच में ले जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा ड्रॉज द चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज। उसके बाद और वो जानबूझ के भगवान उनका जो रथ है वो भीष्म और द्रोण के एकदम सामने खड़ा करते हैं ताकि अर्जुन अच्छे से देख सके उनको कि भाई ये हैं जो आपसे लड़ने आए हैं। और तो उसके बाद अर्जुन उन सबको देखते हैं और उसके बाद वो
जो जब वो देखते हैं कि कौन लड़ने आए हैं उनके सामने, कि अब उनको इनके साथ लड़ना पड़ेगा, भीष्म पितामह जी के साथ, उनके जो गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य जी के साथ, और जो और बहुत सारे उनके जो सामने समीक्ष खड़े थे वो भाई बंधु ही थे उनके, कौरव भी उनके भाई ही थे, तो उनके भाई सारे रिलेटिव्स, सारे प्रकार के रिलेटिव्स उनके सामने खड़े हैं, तो अर्जुन उनको देख के ही बिकम्स वेरी मच कंपैशनेट। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ तीन रीजंस के बारे में डिस्कस किया था कि अर्जुन भगवान कि कुछ कुछ ऐसी रीजंस हैं जो अर्जुन कहते हैं कि भगवान को वो एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हे कृष्ण कि दीज आर माई एक्सक्यूजेस और मैं ये लड़ाई नहीं कर सकता। तो उसमें से जो पहला था कि दैट अर्जुन बिकम्स वेरी मच कंपैशनेट, और तो ये कुछ रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला था कि अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन बिकम्स वेरी मच कंपैशनेट, अर्जुन कंपैशनेट फॉर दोज ही इज अबाउट टू स्ले डिक्टेट्स दैट ही शुडंट फाइट। वो कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि चलो मान लीजिए मैं युद्ध करता हूं, बट जिनके साथ मैं युद्ध करने लगा हूं अगर मैं उनको मार दूंगा, क्योंकि उसका जो परिणाम होने वाला है ये है कि या तो वो मेरा वध कर देंगे या मैं उनका वध कर दूंगा, और अगर मैं उनका वध कर दूंगा तो मैं अब देन तो फिर मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा। तो वो कहते हैं कि जो मैं ये जो अगर मैं तीनों लोक भी पालूंगा और उसके बाद ये मैं अगर पूरी पृथ्वी के ऊपर मैं ये जो जिस लड़ाई हम जो लड़ने लगे हैं तो ये सारा इसी चीज के लिए है, राज के लिए है, और ऑल दो है तो धर्म युद्ध बट इवेंचुअली तो इट इज ऑल अबाउट कि राज क्या है और क्या मिलना चाहिए। और वो कहते हैं अगर मैं ये सारा कुछ पा भी लूं तो मैं किसके साथ इसको शेयर करूंगा। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी भी मेंटेलिटी कभी ऐसी रहती है कि हम वी वांट टू सोशलाइज है ना, और हम जो जैसे कि अगर नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं, दूसरों से शेयर करना चाहते हैं कि देखो मैंने गाड़ी, अगर मैं सिर्फ अकेला हूं और गाड़ी उसमें ज्यादा इंजॉयमेंट नहीं मिलती, सो देर इज मोर इंजॉयमेंट वेन वी शेयर इट विद अदर्स है ना। तो ये अर्जुन का दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन अर्जुन बताते हैं कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो एक तो फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और तो दो रीजंस, तीन रीजंस इनफैक्ट आगे और हैं, जिसमें से दो जो मेन रीजंस हैं कि भाई कि अर्जुन कहते हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे 1.37 से आगे, और अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो जो जो मेरा एक पूरा सारा कुल है ये इसका विनाश हो जाएगा है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और कोई आगे बचेगा ही नहीं, कोई वंश ही नहीं रहेगा। और चौथा भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और पांचवा ये है कि इन सब चीजों को मिला के अर्जुन कहते हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, देर इज इनडिसीजन, देर इज कंफ्यूजन। जैसे कि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को करियर में क्या करना है, देर इज इनडिसीजन, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, तो कौन सा रास्ता चुनूं मैं, सो देर इज इनडिसीजन। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो अर्जुन बहुत सारे साइंस हैं, जो लक्षण हैं वो दिखाते हैं कि मैं मुझसे ये मेरे जो गांडीव है वो मुझसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे छूटा जा रहा है, उनके जो मुंह हाथ मुंह है वो ठंडे पड़ जाते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं इस युद्ध को, एंड हिज लिम्स क्विवर एंड हिज माउथ स्टार्ट्स ड्राइंग अप, एंड तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो अर्जुन वहां पे शो करते हैं। और अर्जुन कैन नॉट सी एंजॉय, अर्जुन कैन नॉट एंजॉय किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग रिलेटिव्स, ये हमने डिस्कस किया। एंड अर्जुन नॉट रेडी टू फाइट इवन इन एक्सचेंज ऑफ थ्री वर्ड्स वर्ल्ड्स। तो वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूंगा इस किंगडम का जब कोई बचेगा ही नहीं। एंड उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं इनको मारूंगा तो हमको पाप लगेगा, तो उसमें से एक रीजन ये भी अर्जुन देते हैं 1.36 हमने पढ़ा था कि अगर किसी की हत्या मैं करने लगा हूं तो मुझे पाप लगेगा। तो एक ग्राउंड पे ठीक भी है कि कुछ किसी किसी को आप मारने लगे हो तो पाप लगेगा, बट कैसे नहीं लगेगा ये आगे भगवान हमको बताएंगे दूसरे चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में ये सारे रीजन हैं जो इसका भगवान एक एक करके उत्तर देना शुरू करेंगे, क्योंकि अर्जुन ने ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी। वो अब क्योंकि हमारे पास भी कई बार ऐसे होता है कि हम हमारे पास लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम किसी के आगे रखते हैं तो हम एकदम से कहते हैं कि अच्छा ये देखो मेरे साथ ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। वो कहते हैं अच्छा रुक जाओ, ठहरो जरा, एक एक करके सॉल्व करते हैं ना इस चीज को,
तो पहले पॉइंट लेके आते हैं, फिर दूसरा पॉइंट लेके आते हैं, तो लिख लो कॉपी पे, उसके बाद एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने किया, पहले सारा सुना, ठीक है कह लो आप नहीं युद्ध करना चाहते, ठीक है मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद भगवान बताते हैं कि भाई क्यों करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि भगवान क्या रीजन क्या बता रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भगवान देते हैं, इन सब एक्सक्यूजेस का एक्चुअली उनका वो रीजन देते हैं कि ये कैसे ये सारा कुछ गलत है। क्योंकि इवेंचुअली तो हमको भी पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और अर्जुन ने अगर ये सारे रीजंस दिए हैं तो, और उसके बाद भगवान ने उनको कुछ इसका अगेंस्ट दिया होगा ना, कि भाई तभी तो अर्जुन माने उस बात को और उनको सेटिस्फेक्ट्री लगा होगा कि भाई हाँ ये आप कह रहे हो जो ठीक है, अब मैं समझ गया, अब मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो इस तरह से ही कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमको क्या करना चाहिए वो हम अभी पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में आएगा। कि जब 2.7 में भगवान अर्जुन कहते हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं आपको सेंडर करता हूं, आप मुझे बताइए, आप मेरे पथ प्रदर्शित करिए। और तो यहां तक हमने पढ़ा था, तो उसके बाद हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं 1.37 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमने नहीं पढ़ा है 1.37 एंड 1.38। लेट्स स्टार्ट। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपाहता चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेयम् अस्माभिः पापां पापद् अस्माद् निवृत्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दना। ट्रांसलेशन एंड परपर्ट बाय डिवाइन ग्रेस अभय शरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ओ जनार्दन, ऑल्दो दीज मेन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड सी नो फॉल्ट इन किलिंग वंस फैमिली और क्वारलिंग विद फ्रेंड्स, व्हाई शुड वी हु कैन सी द क्राइम इन डिस्ट्रॉइंग अ फैमिली एंगेज इन दिस एक्ट्स ऑफ सिन। तो यहाँ पे अब अर्जुन कह रहे हैं कि हम इस पाप कर्म में क्यों लगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मैं करूंगा ये पाप है, और तो एक उनका एक्सक्यूज हो गया एक तरह से, है ना, कि कई बार जैसे यहाँ पे उनको ये लग रहा है। परपट, अ क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू रिफ्यूज अ बैटल और गैम्बल व्हेन ही इज सो इनवाइटेड बाय सम राइवल पार्टी। अंडर सच एन ऑब्लिगेशन अर्जुन कुड नॉट रिफ्यूज टू फाइट, ही हैड बीन चैलेंज्ड बाय द पार्टी ऑफ दुर्योधन। इन दिस कनेक्शन अर्जुन कंसिडर्ड दैट द अदर पार्टी माइट बी ब्लाइंड टू द इफेक्ट ऑफ सच अ चैलेंज। Arjun, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjun decided not to fight. तो अब यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी उनको चैलेंज करे तो he has to fight. वो मना नहीं कर सकते, और तो this is क्षत्रिय धर्म actually. And because both the parties are challenged, कि पांडवास are challenging कौरवास कि भाई either either fight with us and or if you or give us the kingdom whatever we demand, and the कौरवास are saying either don't get the kingdom or fight with us. So in that way both parties are challenged and that is how. And और वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि जब युद्ध होता है तो वैसे भी क्योंकि इट इज क्षत्रिय धर्म है ना, एंड बिकॉज बोथ ऑफ बोथ द पार्टीज हैव टू फाइट एंड दिस इज आल्सो धर्म युद्ध, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिन। बट अर्जुन इज समहाउ बिकॉज ही डजंट वांट टू फाइट एंड एंड ही हैज बीन पुट इनटू सच अ बिवल्डरमेंट इन सच अ सिचुएशन, ऑल्दो बाय अ कॉज बिकॉज कृष्णा वांटेड हिम टू डू सच ऑल दीस थिंग्स, बट स्टिल दैट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि we should follow ahimsa, we should follow non-violence, and in that way this is perfectly in the line because Arjuna is saying don't do violence, do follow non-violence, and but non-violence is not the solution. What we have to see based on the time, place and circumstance is that what is the right thing at that position, because if somebody agar koi kisi ko maarne aa gaya to then how can we say that non-violence is the solution? Of course we have to protect ourselves. And that is our duty. That is our dharma as well. Next. Kulakshaya pranashyanti kula dharma sanatana dharmenashte kulam krishnam adharmo abhibhavati yuta
With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. तो अब यहाँ पे अर्जुन तीसरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं अपना, तो वे कह रहे हैं कि अगर हम एक अगर अगर हम इनको मार देंगे तो इनका जो सारा वंश है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इनका जो सारा फैमिली ट्रेडिशन है वो सारा खत्म हो जाएगा, एंड जो बाकी सारे बचेंगे, क्योंकि सारे जो द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हेयर ऑन द बैटलफील्ड एंड ऑन द फीमेल मेंबर्स आर एट बैक एट द एट होम, राइट? सो दैट मीन्स जो बचे वो कौन है, द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड एंड द फीमेल मेंबर्स, राइट? सो दैट मीन्स दे विल बी अनप्रोटेक्टेड एंड दे विल फॉल इनटू इररिलीजन. तो वो दे विल गेट इन्वॉल्व इन रिलीजन बिकॉज द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर गॉन, दोज हु वर गाइडर्स और दोज हु वर प्रोटेक्टर्स. इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन देर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन टू हेल्प मेंबर्स ऑफ द फैमिली ग्रो प्रॉपरली एंड अटेन स्पिरिचुअल वैल्यूज. द एल्डर मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच प्योरिफाइंग प्रोसेसेस इन द फैमिली बिगिनिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. Dharma bhi bhravat krishna pradushyanti kulastriya strishu dushtasu varshneya jayate varna shankara. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degraded of the womanhood, O descendant of the Vrishni, comes unwanted progeny. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress. In Varnashram religion's principle were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depend on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elderly members of the family. That is why it is very important that at each stage of the life, the women and children must always be protected. Because all the traditions are followed by, jise Prabhupada bata rahe hain, that good population is dependent on how a woman is chaste and their faithfulness on the womanhood. So like that, that is how important is the role of womanhood in our society is. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. On the failure of such Varnashram dharam, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. So that is why it is very much important that the women should be protected. Otherwise, the people can, they tend to get exploited. And it is very much important for good population to be there, and that the women and children must be always be protected. और उसके बाद क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं कि जब ये होता है तो उसके बाद there is a varna sankar which comes into, and then there is all and which leads to very bad population and a very bad progeny. Shankaro narakayeva कुलघ्नानम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषां लुप्त पिंडोदका क्रियः. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down, and because the performances for offering them food and water are entirely stopped. तो ये कह रहे हैं कि
कि अगर कोई बचेगा ही नहीं पीछे तो देर इज अनवॉन्टेड पॉपुलेशन एंड दे विल नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ धर्म एंड व्हेन सच थिंग्स आर prevalent in one's family, then the processing or and the performances of our offering food to the ancestors, वो बंद हो जाता है. जैसे हम कहते हैं ना कि पितरों को देना तो और जो offering जो देनी होती है हमको पितरों को, and so that when stops and that is not good. इसमें अभी प्रभुपाद आगे बताएंगे पर्पट में कि इसका मतलब क्या है. According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. देखिए क्या लिख रहे हैं. And those who are not in devotional life are required to perform such rituals. अब सबसे इंपॉर्टेंट आगे आता है. वन हु इज एंगेज इन डिवोशनल लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच एक्शंस. सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस वन कैन डिलीवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोरफादर्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी. जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं actually when they leave the body and sometimes it may happen that they are not able to take the next body and they keep on wandering in the bodies of ghosts and other living entities and which is very much not favorable I would say and painful of course and that is why this is given in the shastra that one should offer. इसलिए पितरों को जो देना होता है वो इसलिए किया जाता है कि सो दैट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है द प्रसादम शुड बी गिवन नॉट दैट एनी काइंड ऑफ फूड कैन हेल्प एंड बिकॉज द प्रसादम विच इज फर्स्ट एफर्ट टू कृष्णा और एंड सो एंड आफ्टर ईटिंग दैट दे आर लिबरेटेड एंड दे टेक द दे आर removed from that kind of a miserable condition and sometimes because of their sinful reactions they're not able to get the next body but when we offer that is why the offering to pitras and the forefathers is very much necessary but that is given in the for those who are not following devotional service but those who follow the devotional service it is Prabhupada is saying that it is not necessary that we do such performances or offerings because जैसे कि हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि हम जो पितरों को दे रहे हैं देवी देवताओं को जो दे रहे हैं तो अगर दे आर लाइक लीव्स ऑफ ट्री ना एंड इफ वी वॉटर द लीफ ऑफ अ ट्री दैट इज वन वे ऑफ वॉटरिंग बट इफ वी ऑफर वॉटर एट द रूट ऑफ द ट्री विच इज कृष्णा then automatically the whole tree will get the offering, right? Because sabse jo important purpose is to please Krishna. And if Krishna is pleased, then we are engaged in the devotional service, then we are not supposed to do all these things. This is what Prabhupada is writing. One who is engaged in devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. इसका example आता है हमारे शास्त्रों में प्रहलाद महाराज का कि जब नरसिंहदेव भगवान आते हैं और वो हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और वो प्रहलाद महाराज को बेनेडिक्शन देते हैं कि क्योंकि तुमने इतने अच्छे से भक्ति करी एंड सब कुछ अच्छे से किया तुम्हारी कितनी उन्होंने बोला था 21 पता नहीं कितनी आगे की और पीछे की सारी जो जनरेशन हैं दे विल अटेन टू माई लोटस फीट एंड दे विल गेट लिबरेटेड सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज व्हेन समबडी इज बॉर्न एज अ डिवोटी इन वन्स फैमिली एंड देन मीन्स देन एवरीबडी इन द फैमिली इज बेनिफिटेड brothers, sisters, mother and fathers, everybody is benefited. And इसका मेरे को बहुत अच्छा से एक स्टोरी याद आ गई गौरांग प्रभु की. एक बार मैं उनका लेक्चर सुन रहा था
और तो गौरांग प्रभु हैं वो मुंबई इस्कॉन जुहू और इस्कॉन चौपाटी में, वहां पे ही इज वेरी सीनियर ब्रह्मचारी इज देयर, एंड आपने भी उनके लेक्चर सुने होंगे गौरांग प्रभु के आरजी मीडिया से। और तो वो एक बार अपना एक पास टाइम शेयर कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक बार वो किसी मंदिर में गए कोई प्रवचन देने, कोई लेक्चर देने, और उस प्रवचन में उनके फैमिली मेंबर्स भी आए हुए थे कहीं साउथ की बात है, पता नहीं कहाँ की बात है, तो वो शेयर कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि और उसी प्रवचन में उन्होंने ये बोला होगा कि कैसे कि अगर किसी के फैमिली में अगर कोई डिवोटी आ जाता है तो हाउ एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड, और उन्होंने ये पास टाइम शेयर किया होगा। तो तो वो प्रभु जी कहते हैं कि सेशन के बाद मेरे पास एक जो मेरे कजन थे या फिर रिलेटिव थे, तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, ऐसे ही भक्ति करते रहना। और वो कहते कि आप भी करिए, कहते नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तुम करो बस, बहुत है उतना ही है, बस छोड़ना मत इस भक्ति को। सो दैट इज हाउ वी कैन सी दैट द हाउ दे वर आल्सो अफेक्टेड दैट कि अगर ये लगा रहेगा, अगर ये बना रहेगा तो मेरी भी गाड़ी पार हो जाएगी। but the gist is that how if a devotee is born in one's family, then how everybody get a chance to elevate themselves into Krishna consciousness, and not just that, but even if they don't do, then because they are relatives of the devotee, and if the devotee agar wo acche se bhakti karte hain, and if he becomes a pure devotee, then Krishna will see to it ki oh, these are all the members, these are family members of such a devotee, and so they will also get some kind of a boon, and in that manner they will get the mercy and the blessings as well. So that is how glorified Krishna consciousness or bhakti is. So that is how we can take this as a understanding for ourselves, that ki main acche se bhakti karun, rather than hum dusre ko kahe ki nahi nahi aap dekha kitna acha bhakti kar rahe ho, aap karte raho aise hi bas, koi baat nahi, hame mat kehna, but aap karte raho. So but we should not see to it like that, we should try to develop our bhakti, and because jo bhi hum sunte hain ye sara kuch हमारे अपने उसके लिए है, आचरण के लिए। सो वी शुड फर्स्ट ट्राई टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इट ऑन अवर सेल्व्स, एंड इवेंचुअली द अदर्स विल आल्सो गेट द बेनिफिट। लेट अस रीड अगेन। इट इज स्टेटेड इन भागवतम, देवर्षि भूतप्त नृणम पितृणाम न किंकरो नयम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यस शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम पहिर्यता कर्तम। एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंद द गिवर ऑफ लिबरेशन, गिविंग अप ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड हैज टेकन टू द पाथ इन ऑल सीरियसनेस, ओज नाइदर ड्यूटीज नॉर ऑब्लिगेशंस टू द डेमिगॉड्स, सेजेस, जनरल लिविंग एंटिटीज, फैमिली मेंबर्स, ह्यूमन काइंड और फोर फादर्स। तो देखिए ये प्रभुपाद प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों से, भागवतम से। सच ऑब्लिगेशंस आर ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। दोषेर एते कुला घननम घनानाम वर्ण शंकर कराके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास शाश्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Community projects for the four orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of the society brings about chaos in that society, and consequently people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind
एंड पर्सन हु फॉलो सच लीडर्स आर श्योर टू बी लेड इन टू क्योस। उत्सन कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरके नियतम वाशो भवित्ति भवातिति अनुशुश्रमा। ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल आई हैव हर्ड बाय डिसाइपलिक सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशन आर डिस्ट्रॉयड ड्वेल्स ऑलवेज इन हेल। अर्जुन बेसिस हिज आर्ग्यूमेंट नॉट ओनली ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस बट ऑन व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम अथॉरिटीज। एक्चुअली दिस इज द वे कि जैसे कि अगर आम शास्त्रों में यही तरीका होता है कि अगर आप किसी को इफ यू वांट टू गिव सम काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट देन वी दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम फैक्ट्स फ्रॉम शास्त्र अदरवाइज देन व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू वुड बी। अगर हम अपना ही मन रखेंगे तो वो तो हमारा मनोधर्म काइंड ऑफ हो गया देन बट इफ यू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट विद सम काइंड ऑफ अ शास्त्रिक रेफरेंस देन दैट हैज वैल्यू। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अर्जुन अब यहाँ पे नाउ ही इज सेइंग दैट कि ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है जो अथॉरिटीज हैं वो भी यही कहती हैं। तो वो देखिए क्या कह रहे हैं आगे। That is the way of receiving real knowledge. जैसे हम बात कर रहे थे, one cannot reach the real point of actual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. तो जो authority की बात हो रही है वो यही है कि भगवत गीता में भी actually यही आता है कि भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने का तरीका क्या है वो भी भगवत गीता के अंदर ही बताया गया है। 4.34 में भगवान क्या कह रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षाति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कि आप उनको अप्रोच करें जिन्होंने इस तत्व का ऑलरेडी दर्शन किया हुआ है और उनको इस चीज का रियलाइजेशन है एंड दैट इज द वे ऑफ अटेनिंग दिस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ प्रभुपाद भी देखिए यही लिख रहे हैं कि दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज। वन कैनॉट रीच द रियल पॉइंट ऑफ एक्चुअल नॉलेज विदाउट बीइंग हेल्प्ड बाय द राइट पर्सन हु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज। तत्वदर्शिना। देयर इज अ सिस्टम इन वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन बाय विच बिफोर डेथ वन हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट फॉर हिज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। वन हु इज ऑलवेज एंगेज इन सिनफुल एक्टिविटीज मस्ट यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट कॉल्ड प्रायश्चित। Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as a result of sinful activities. Aho bata mahat papam kartum vyavashita vyam yad rajya sukha lobhena hantum swajanam udyatah. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. तो वो कहते हैं कि देखिए कितनी अचंभे वाली बात है कि हम अब इस जघन्य अपराध में लगने वाले हैं, इन सबको मारने वाले हैं। ऐसे इनको मारना है? नहीं, इनको मारने से पाप लगेगा, नहीं मारना चाहिए कृष्णा। सो आप भी चलो घर चलते हैं। सो दैट इज व्हाट अर्जुन इज सेइंग है ना। ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स वन मे बी इंक्लाइंड टू सच सिनफुल एक्ट्स एज द किलिंग ऑफ वन्स ओन ब्रदर फादर ऑफ माउथ मदर। There are many such instances in the history of the world, but Arjun, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore take care of to avoid such activities. Yadi mam apatikaram ashashtram shastra panyah dhatrashtra ranehanyus tan me kshame taram bhavet. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in the hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. तो फिर से वो ये कह रहे हैं कि अच्छा ये होगा कि वो मेरे को मार दें rather than कि मैं उनको मारूं. Purport. It is the custom according to Kshatriya fighting principles that an unarmed or unwilling foe should not be attacked. Arjun, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other parties was bent upon fighting. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जैसे क्षत्रियों में there is a law, there is a rule that if the other person is unarmed and unwilling to fight, then they should not be attacked. They have some kind of a principles and standard set. But Arjun is saying कि अगर
ऐसा भी हो जाएगा अगर मैं अनार्म भी हूं तब भी वो अगर मेरा वध कर दे तो भी मुझे चलेगा. दिस इज व्हाट अर्जुन इज सेइंग एक्चुअली. ऑल दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू सॉफ्ट हार्टेडनेस रिजल्टिंग फ्रॉम हिज बीइंग अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. बट प्रभुपाद नोज कि अंदर से क्या चल रहा है, इंटरनली व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज दैट प्रभुपाद नोज. है ना कि दिस ऑल इज लीला हैपनिंग एंड अर्जुन इज पुट इन टू सच अ डिलेमा. एंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट ही इज डेलिबरेटली पुट बाई कृष्ण इन सच अ प्रॉब्लम. Although he's because he's a pure devotee, we cannot expect such things from pure devotee. But because the Lord has to establish dharma again and he has to establish this knowledge again in disciplic succession, fourth chapter में आके बताते हैं अर्जुन को कि मैंने तुमको इसलिए चुना क्योंकि because you are my devotee and you are my friend. Fourth chapter में आके जाके ये reveal होगा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ये जो ये ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये रीएस्टैब्लिश करना चाहता था. एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन यू टू टू बिकम माय डिसाइपल एंड गिव दिस नॉलेज सो दैट व्हाई यू आई गिव इट टू एवरीबॉडी. तो अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, अगर अर्जुन को ये प्रॉब्लम ना हुई होती तो भगवद गीता भगवान बोलते ना, कोई प्रॉब्लम ही ना होती, युद्ध खत्म हो जाता, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, ओके गो होम. But Arjun was put into such a problem and Bhagwan spoke Bhagavad Gita. So that is how and but all these symptoms or these excuses which Arjun is giving, but Prabhupada is saying that because he is a great devotee of the Lord and these are for a devotee, because he is such a great devotee, he is very soft-hearted. And these things are supported in that manner that because he was so soft-hearted, he is showing such compassion and such soft-heartedness. Ki mujhe nahi mana, so like that. Now, this is the last shloka of this chapter. 1.46. Sanjay uvacha evam utkrivat evam utva arjunah sankhe रथोपास्था उपाविशत विसर्ज्या स शरम चापम शोक संविघ्न मानसाह. द्वारा पढ़ता संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपास्थ उपाविशत विसर्ज्या स शरम चापम शोक संविघ्न मानसाह. Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot. तो वो अपना जो है गांडीव और जो जो तीर हैं सारे वो उनको साइड में रख देते हैं और वो रथ पर बैठ जाते हैं. मैं नहीं लड़ूंगा. His mind overwhelmed with grief. अब यहाँ पे उनको शोक हो रहा है. He is grief now. This is now the symptom, the next symptom which he is showing. Mind overwhelmed with grief. But while observing the situation of his enemy, Arjun stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. कई बार हमारे साथ भी ऐसा ऐसा होता है कि we are so much into lamentation and that we just want to have some time alone and just sit and कि हमको कोई बुलाए ना and अगर कोई बुलाएगा तो हम we will become more frustrated and things like that. And there is resolution in our mind and we are not able to decide anything. And many times it happens in our life that such situations arises. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. So again, Prabhupada is quoting to his being a devotee of the Lord. And तो यहाँ पे ही इज अगेन शोइंग की अर्जुन्स नेचर ऑफ बीइंग अ डिवोटी कि ऐसे व्यक्ति तो नाउ दे आर दे ही इज फिट नाउ कि अब वो कि भगवान का वो भगवान से वो ज्ञान ले एंड रिसीव सेल्फ नॉलेज बिकॉज अर्जुन इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड सो नाउ ही इज अ परफेक्ट कैंडिडेट कि अब हाँ अब अर्जुन यू आर फुलफिलिंग व्हाट आई वांटेड टू डू एंड नाउ यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट दैट आई विल नाउ गिव दिस नॉलेज टू यू. अब आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे. दस एंड द भक्ति वेदांत पर्पट टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ श्रीमद भगवद गीता इन द मैटर ऑफ ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. तो यहाँ पे हमारा जो है जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वो यहाँ पे अंत होता है. और तो हमने
इसको पढ़ा और इसमें सारा कुछ जाना कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले क्या होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजया, कि हे संजय मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर इकट्ठे होके क्या की। उसके बाद वो दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास और वो डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी आर्मी की, पांडवों की आर्मी की, कि देखिए ये लोग आए हैं वो हमसे लड़ने के लिए, और फिक्र मत करिए हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं और जो कि हमको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद शंखनाद होता है, इधर से भी शंख बजते हैं, पांडवों की तरफ से भी शंख बजते हैं, भगवान भी अपना शंख बजाते हैं, पंचजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन बजाते हैं देवदत्त, और तो इस तरह से और भी बहुत सारे शंख बजते हैं। और तो उसके बाद अब अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कौन लड़ने आए मेरे साथ, और कि हे पार्थ, कि हे कृष्ण मेरा जो है रथ है जो वो आप दोनों आर्मीज के बीच में लेके जाइए। और उसके बाद भगवान वहां लेके जाते हैं और एकदम भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने उनको खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद अर्जुन उनको देख के ही बिकम सो मच बिविल्डर्ड एंड कंपैशनेट सबसे पहले, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं मार सकता, कि ये तो मेरे पितामह है जिनके मैं गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, और द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं। वी कैन इमेजिन ना कि जिन्होंने पूरी लाइफ हमको विद्या दी, सारी तरह की विद्या जिनसे हमको मिली, उन्हीं को बोलने को बोल उन्हीं को मारने के लिए बोल रहे हैं कि इनको मारो, इनके इनके शरीर के ऊपर तीर चलाओ और इनको इनका वध कर दो, मार दो इनको। सो सच अ बिवल्डर्ड सिचुएशन। एंड अर्जुन कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, अगर मैं इनको मार दिया तो मैं किसके साथ इंजॉय करूंगा। तीसरा ये कहते हैं कि अगर इनको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। चौथा ये कहते हैं अगर मैं इनको मारूंगा तो इनका जो है कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो जो द वुमेन विल नॉट बी प्रोटेक्टेड एंड द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, एल्डरली विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, देन देयर विल बी लाइक जो फैमिली ट्रेडिशन है दैट विल बी लॉस्ट, and once the family tradition is lost then they will dwell in hell and there will be no service to the pitra, and so that will be disservice and eventually, and Arjun is saying ki main ye yuddh nahi karunga aur ab main baith gaya. So this is how Arjun is saying. So now what we'll do is that we will hear the short of this chapter, 6-minute video. Maine ek video dhoond raha tha, main Gaurang Prabhu ki hi video hai, and he has very very well explained ki इस चैप्टर में इसको समराइज करके उन्होंने बताते हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल दिस वीडियो। बहुत अच्छे से वो समझाते हैं कि चैप्टर वन में क्या है, एंड व्हाट वी विल डू इज दैट हम ऐसे ही करेंगे, ईच चैप्टर हम ये पढ़ेंगे और इस प्रोसेस जानेंगे, और लास्ट में समरी में वी विल वॉच प्रभु जी वीडियोज एज वेल। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद एवरीबडी दिस वीडियो, एंड तो ये वीडियो हम चलाते हैं, 6 मिनट की वीडियो है, यू वॉच इट एंड आपको you will understand again ki agar humne koi session miss bhi kiya hai so we'll understand that what is the first chapter of Bhagavad Gita saying, and then we will if we have any questions then we will take it, otherwise we will start the second chapter in our next session, and then we will close it. So I'll just share the screen. Observing the armies on the battlefield. Chapter 1, Bhagavad Gita. Observing the armies on the battlefield. The spiritual journey usually starts with a doubt. Over the years, our friends, family, society, and the media paint a perfect picture of success. And we subsequently shape our lives, determined pursuit of it. At a certain point, however, we begin to doubt whether that perfect life is achievable or will actually make us happy. We begin to question the materialistic goals, the aspirations, and the milestones of success that have become deeply ingrained within us. Could there be some deeper purpose to life? While this initial doubt can often bring great uncertainty and confusion, it can also bring us to the start of our spiritual journey. It is the very doubt that Arjuna expresses at the onset of this sacred conversation. Dhritarashtra uvacha
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकौ पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. D for Dhritarashtra and Duryodhan, O for ominous result, U for uncertainty, B for bewilderment, T for turning point, D for Dhritarashtra and Duryodhan, verses 1 to 12. Innumerable soldiers have assembled on the battlefield of Kurukshetra due to the obstinacy and deep-rooted material aspirations of these two characters. Bent on usurping their cousin's kingdom, sitting in his palace, King Dhritarashtra inquires about the latest events on the battlefield, while his son Duryodhan is busy firing up his army as he prepares for fratricidal war. Dhritarashtra is physically blind, but he and his son are also blinded by greed, envy, and material desires. When the individual starts to think in terms of I, me, and mine, primarily interested in selfish gain and personal aggrandizement, then anxiety, frustration, and disappointment are inevitable. Unfortunately, one who is materially entangled becomes oblivious to the ill effects of his actions. O stands for ominous results, verses 13 to 20. Despite Duryodhan's boastful words, the ominous result of this confrontation is made clear from the onset. Too many signs indicate his inevitable defeat. Those who stand on the side of purity and righteousness are always victorious, regardless of whether the worldly odds seem stacked against them. One who is a carrier of goodness is never overcome by evil. U stands for uncertainty. Verses 21 to 27. Despite knowing that he defends virtue, Arjuna is still uncertain about fighting his opponents, who were also his relatives. The chariots are readied, arrows are drawn, the battle cries are sounded, but Arjuna wants to take a final look at the armies. He orders Krishna, who assumes the role of his charioteer, to drive to the middle of the battlefield so that he can satisfy his curiosity. To his credit, despite the intensity of the situation, Arjuna takes time to reflect. Life may be crammed with responsibilities and pressing issues, but attendance to such demands should not be at the expense of quality spiritual introspection. Unfortunately, the chronic disease of modern man is the excuse of no time when it comes to such soul searching. B stands for bewilderment, verses 28 to 30. Foreseeing the imminent suffering and the death that is the inevitable consequence of war, Arjuna begins to analyze his predicament. At this stage, bereft of broader spiritual vision, his uncertainty intensifies and he becomes bewildered. When one lacks an understanding of his spiritual identity, his relationship with God, and the critical purpose behind this world, one becomes disturbed and frustrated by life's challenge. T stands for turning point, verses 31 to 42. Arjuna justifies his decision to retreat from the fighting. Number one, because it would be cruel and heartless to prematurely terminate the lives of so many soldiers. Secondly, even an unrivaled kingdom would bring no happiness, since he would be bereft of the company of his near and dear ones. Thirdly, one would surely accrue bad karma as a result of such brutal violence. And fourthly, the wholesale killing involved would destroy the family unit and social structure, causing havoc for future generations. Thus, his mind overwhelmed by grief, Arjuna sets aside his weapons and resolves not to fight. Sanjay Uvacha, evamuktva Arjuna sankhe rathopastha upavishat visrijya sasharam chapam shoka sambigna manasa. Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. Hare Krishna. So that was a quick video. So that explains that ki the chapter 1 in summary, and usme Prabhuji ne he added few life lessons as well,
And because that is a part of a different series that we are not doing, we are reading in deeply. And these series are part of 18-week Bhagavad Gita sessions that we usually have and we usually take. But we are reading Bhagavad Gita, shlok by shlok and purport by purport, because we want to. That is what we will try to do, that because the more we understand what is the meanings which are given in the purports of Srila Prabhupada, the more we will be able to understand that what exactly is the meaning of Bhagavad Gita to us, and what should be the takeaway for us, in fact, in that manner, I would say. So that is where we end our session for today. And if you have any questions or any kind of queries, then you are most welcome to ask. Otherwise, we will meet in our next session, and we will start from chapter number 2, which is the contents of Bhagavad Gita summarized. And chapter 2 is a very interesting chapter, actually, क्योंकि उसमें ही सबसे starting में भगवान अर्जुन को अर्जुन ने तो शस्त्र टाल दी रख दिए साइड पे कि भाई मैं तो लड़ूंगा नहीं. भगवान कहते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो, जैसे कि इफ समबडी सम लाइफ कोच वुड कम टू अस एंड सम मेंटर वुड कम टू अस कि व्हाट आर यू सेइंग, ही वुड मोटिवेट अस, है ना. एंड अर्जुन फिर वो कहते हैं कि ये सारी चीजें आपको शोभा नहीं देती सब कुछ करने के लिए. स्टार्टिंग में 2.3-2.4 में भगवान ये कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी भी बिल्डर्ड हूँ और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने बताई. और उसके बाद जो पांचवी चीज ये है कि मेरे को नहीं पता लग रहा है क्या करना है. Sometimes it happens na, that things maybe are so unclear to us in our life that we don't know what to do. There is complete bewilderment, there is complete delusion for us, and there is complete indecision, that there is something that which I cannot do. Somebody else has to help me out from external and find me out. So then Arjun, what Arjun does is ki wo Bhagwan ka, he surrenders unto Krishna, and then he says ki, शिष्यस्तेहम साधिमाम तम प्रपन्नम, कि मैं आज अब से आपका शिष्य हुआ, आप मुझे समझाइए कि क्या करना चाहिए. फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्जुन को भगवान मल्टीपल ज्ञान देते हैं. सबसे पहला जो ज्ञान है वो है आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा क्या है. यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट lesson which Bhagavad Gita gives us in our chapter 2, that that I am soul, I am not this body. And उसके बाद उसके there are lots of shlokas which describe that what is a soul actually. This is a new element na, we are discovering a new element right now. केमिस्ट्री का जो वो होता है एलिमेंट का चार्ट, उसमें बहुत सारे डब्बे बने होते हैं, कार्बन से लेके नाइट्रोजन, इधर से आपकी वो इनर्ट गैसेस होती हैं, नीचे आपके पास स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं. और बट वी डोंट फाइंड एन एलिमेंट कॉल्ड SOUL, सोल इन देयर, है ना. सो दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कवर अ न्यू एलिमेंट देयर विच इज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट, नॉट गोइंग टू बी फाउंड इन दैट मटीरियल चार्ट. And so that is something which is going to come up, and then we will discuss ki okay, agar hum padhte hain ki theek hai, there is a nitrogen, there is carbon, to carbon ki ye properties hain, carbon ka ye chemical structure hota hai, to soul ki kya properties hain, soul ka kya structure hai. So then bhagwan unko wo explain karte hain ki soul aise hai, it cannot be burned and things like that, cannot be cut, and so many descriptions bhagwan Lord gives to Arjun, this is the soul. And then chapter 2 continues, which jo hum aage jaake aur abhi padhenge ki chapter 2 mein aur kya kya aayega. Very very interesting thing going to turn around now. And so with this we will end our session today, and if we still have any kind of questions or any kind of queries, then you are most welcome to ask or raise hand. Otherwise we will close the session, and we will meet in our next session, and we will continue from chapter number 2. Okay, no questions, so we will end our session here. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिस्पाइट सच चैलेंजेस. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for joining. Thank you.
हाँ बेटा,